नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी तिरंगा यात्रा को आज हरी झंडी दिखाएंगे। बाइक तिरंगा यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह 9:30 बजे तिरंगा यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग से हरी झंडी दिखाई जाएगी। बीजेपी लखनऊ महानगर की ओर से भव्य बाइक तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सुबह 9:30 बजे तिरंगा यात्रा को सीएम योगी हरी झंडी दिखाएंगे। बीजेपी लखनऊ महानगर की ओर से भव्य बाइक तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ तिरंगा यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी और बाइक तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको बता दें, देश की आजादी के अवसर पर तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है और ऐसे में सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाइक तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। सुबह करीब 9:30 बजे तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी लखनऊ महानगर की ओर से भव्य बाइक तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस यात्रा में सैकड़ों की तादाद में लोग जुटेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बाइक तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वैदिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अश्विनी द्विवेदी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्या कुछ पूरी जानकारी? बाइक तिरंगा यात्रा आज निकाली जाएगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाएंगे, क्या समय निर्धारित क्या है, क्या कुछ तैयारी देख पा रहे हैं? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश भर में आज जो है भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, हर घर तिरंगा अभियान चला रही है और शिक्षा तहत बाइक तिरंगा रैली भी हम निकालने जा रहे हैं। इसको लेकर के आज मुख्यमंत्री आवास जो 5 कालिदास मार्ग है वहां पर 9:30 बजे तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के महानगर कार्यकर्ता होंगे उनका जुटान होगा और वहीं से बाइक रैली जो है निकलेगी। इस बाइक रैली को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाएंगे और ये शहर के तमाम इलाकों में तमाम मोहल्लों में जाकर के जागरूकता फैलाएगी, देश के प्रति किस तरीके से समर्पण हमारे क्रांतिकारियों ने किया ये सब बताएगी। साथ ही साथ कौन कौन से वीर शहीद हैं जिन्होंने अपनी आहुति दी देश के लिए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पिछले कई सालों के से इस तरीके की जो है यात्राएं निकालता, खासतौर पर ये भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा है वो पूरे काम की जिम्मेदारी लेता है, हालांकि पूरे संगठन की सहयोग होता है इसमें। आज का जो कार्यक्रम होगा उसमें तमाम जो दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के मौजूद रहेंगे, जो महानगर अध्यक्ष हैं, इसके अलावा अगर बात करें तमाम विधायक हैं राजधानी लखनऊ के, वो भी इस कार्यक्रम करने का। अश्विनी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। अश्विनी देखिए, क्योंकि पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और ऐसे में तिरंगा यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सभी मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है तिरंगा यात्रा को लेकर। आज जो बाइक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्या ये आज ही के लिए है या फिर 15 अगस्त तक चलेगी? बिल्कुल, ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ शुरू हुआ था 11 तारीख से शुरू हुआ था और 15 तारीख चलना था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर ये कार्यक्रम हो रहा है, हालांकि आज खासतौर पर ये तमाम जिलों में हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल हो रहे हैं और हरी झंडी दिखा रहे हैं। उसके बाद आज खास तौर पर जो प्रदेश के अलग अलग जिले हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां पर विशेष तौर पर जो बाइक तिरंगा यात्रा है वो निकाली जाएगी, लोगों से संवाद किया जाएगा, आजादी के मायने समझाए जाएंगे, आजादी के लिए संघर्ष समझाया जाएगा, किस तरीके से देश की आजादी के लिए कौन कौन से विभूतियों ने अपने प्राणों से आहुति दी ये बताया जाएगा और कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक किया जाएगा कि हर घर में तिरंगा फहराया जाए। 5 करोड़ तिरंगा फहराने का लक्ष्य इस बात उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है, उसको लेकर के आज जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, उसी के क्रम में एक विशेष कार्यक्रम आज होने जा रहा है। अश्विनी, इस बाइक तिरंगा यात्रा में कितनी संख्या में लोग पहुंचेंगे, कितनी बाइकों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, क्या इसको लेकर कोई अनुमान है?
हाँ बिल्कुल, अगर बात करें संख्या बल की, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें संख्या बल अच्छा खासा होता है। इससे पहले पिछले साल भी देखा गया था जब उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में आज जब तिरंगा यात्रा निकाली गई थी तो उस दौरान भी सड़कें जाम हो गए थे और इस जाम कई घंटों तक लगा रहा था। इसलिए समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है वो आज इस तिरंगा यात्रा में जुटते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक चीजें ना होकर के ये हमारे व्यक्तिगत चीजें होती है, क्योंकि तिरंगा हमारा व्यक्तिगत एक अभिमान है, स्वाभिमान है और कहीं ना कहीं हर कोई तरीके से कार्यक्रम में जुड़ना चाहता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कई बार जो कहता है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है नहीं, इससे इतना जिनको राजनीति से मतलब नहीं होता वो लोग भी इस कार्यक्रम में जुटते हैं। ठीक है, ठीक है अश्विनी, तमाम जानकारी के लिए, जुटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।